हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो मेरा वीडियो है वो पार्ट 4 है, यानी कि इससे पहले 3 वीडियो और डाल चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप सीधे वहाँ से देख सकते हैं। और ये मेरा पार्ट 4 है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से सॉल्व करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ हेल्पफुल एग्ज़ाम देने में मदद मिलेगी, ठीक है। चाहे आप AITT का एग्ज़ाम दे रहे हो या ITI CBT एग्ज़ाम आपका जो होने वाली है ट्रेड थ्योरी का, तो वीडियो को ऐसी तरफ पूरा देखते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी सी की अग्नि है, मैं यानी कि क्लास सी टाइप का जो आग होते हैं वो किस तरह के आग होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्लास सी टाइप के जो आग होते हैं LPG से लगी आग होती है, और इसके अलावा CNG और जितने भी गैस होते हैं गैस के द्वारा लगी आग क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। और क्लास सी फायर में हम हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र और ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं इस तरह को आग को बुझाने के लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार जो होती है वो फार्मूला का व्यंजक बताना है इसमें से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, R = V/I। यह फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, इससे हम आगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, सोल्डरिंग आयरन की जो बीट जो होती है वह तांबा की बनी होती है, कॉपर जिसको बोला जाता है, इसका संकेत Cu होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 HP मीट्रिक सिस्टम में पूछ रहा है, मीट्रिक सिस्टम में 1 HP = 735.5 वाट होती है, और अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछता है तो 746 वाट = 1 hp होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को हम आराम आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, MCB का पूरा नाम क्या होता है। तो MCB का पूरा नाम जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और MCB जो होती है वो कितना रेंज तक आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होती है SI मात्रक वो वेबर होती है, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ इसका चला जाएगा। और वेबर को WB से निरूपित करते हैं, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है। तो भारत में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है विद्युत की वो 50 Hz होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक डायोड है। तो इसका राइट आंसर होगा PN जो है एक प्रकार डायोड है, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूरेका तार किस किस का कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, यानी किस मटेरियल से मिलकर बना होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, नावा का जो ए ऑप्शन है, नावा का वो तांबा और निकेल का, जो तांबा का अनुपात होती है वो 60% और निकेल का अनुपात होती है 40%, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी DC परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई वोल्ट जो है 10 वोल्ट है तो धारा ज्ञात करें। तो I = इसका
वैल्यू निकालना है। ताई इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, एक ठो फार्मूला होती है ओम के नियम के ही द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बराबर जो होती है भी बटा आर, तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये निकालना है। ठीक है, तो हमें वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट और प्रतिरोध दिया है 5 ओम, तो इसको हम काट देंगे तो 5 दुना का 10 यानी कि जो आई का मान होगा वो 2 एम्पियर होगी धारा का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग जेनर डायोड में किया जाता है, जो कि राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिज दृष्टकारी में कितने डायोड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंडरी सेल है, तो सेकेंडरी सेल का जो एग्जाम्पल है वो लेड एसिड सेल होती है, और इसके अलावा सेकेंडरी सेल के अंतर्गत निकेल आयरन सेल होती है और निकेल कैंडियम सेल होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अधिकतर सवाल जो है इसी से पूछा जाता है, लेड एसिड सेल से ही, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 13 का वो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तांबे का गलनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, तांबे का जो गलनांक होता है 1086 डिग्री सेल्सियस होती है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है अचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो माइका होती है यानी कि अभ्रक, वो अचालक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर एक साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, माने किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है नाइक्रोम से बना होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इम्पीडेंस का मात्रक होती है, तो इम्पीडेंस का जो मात्रक होती है वो ओम होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ओम के साथ इसका चला जाएगा। नेक्स्ट, बैटरी की अपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है। तो जो बैटरी का जो अपेक्षिक घनत्व होती है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि इस तरह के जो परमाणु के नाभिक में यहाँ होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको याद रखने का तरीका है P+N। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, PPE का पूरा नाम क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑपरेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर में जो पीएन संगम होती है उसकी संख्या 3 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 के साथ चला जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एसीआर में कितने पीएन संगम होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर सी ही होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है दोस्तों। तो अगर प्लीज़ वीडियो अगर हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, और एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, आप लोग अगर देखे होंगे तो ज़रूर इसका फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनित्र का सिद्धांत क्या है, यानी कि डीसी जनित्र जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ट्रांसफार्मर जो होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा 24 का वो अन्योन प्रेरण यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ट्रांसफार्मर
परिवर्तित करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ को परिवर्तित करता है, जिसका राइट आंसर है वोल्टेज को अप या डाउन करता है, इसलिए यह वोल्टेज को परिवर्तित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, 26। मैग्नेटिक पदार्थ को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने वाले हानि कौन सा हानि कहलाती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हिस्टेरिस लॉसेस कहलाएगी, यानी कि जो राइट ऑप्शन है डी के साथ चला जाएगा, हिस्टेरिस लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होती है वह किस करंट पर कार्य करती है, एसी करंट या डीसी करंट, तो इसका राइट आंसर जो होगा एसी करंट। डीसी करंट अगर हम ट्रांसफार्मर में देते हैं तो वह उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ये के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, 8 पोल सिप्लेक्स वेव वांड जनित्र में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका राइट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो हम इसका उपयोग होयस्ट में करते हैं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सी ऑप्शन को टिक करेंगे, होयस्ट के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मोटर का स्टार्टिंग में टॉर्क अधिक होती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग में टॉर्क होती है वो अधिक होती है, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सी आर ओ का पूरा नाम क्या है, तो सी आर ओ का पूरा नाम कैथोड रे ऑलिस्कोप होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ए के साथ चला जाएगा, ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, डीसी जनित्र में ब्रश होते हैं, तो जो डीसी जनित्र होता है उसमें ब्रश जो होते हैं किस मटेरियल से बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 32 का वो कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और कार्बन का जो प्रतीक होता है सी होती है, और सीरियल नंबर की बात करें तो 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4 होती है, यानी कि के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 4 होगी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आर्मेचर बनाया जाता है, तो आर्मेचर जो होता है वो किस मटेरियल से बना होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर जो होगा वो सिलिकॉन स्टील का लेमिनेट पत्ती से बनाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेट पत्ती को हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेट पत्ती से बना होता है, इसलिए यहाँ के हो जाएगा, को नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा 33 का वो डी के साथ चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई संयोजित वाइंडिंग होती है, यानी कि मान लीजिए ए मेरा कोई एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इस तरह ट्रांसफार्मर है, तो इधर से हम इनपुट सप्लाई देंगे और इधर से आउटपुट होती है, तो इनपुट जो होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और जो आउटपुट होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर जान गए होंगे, इसका 34 का जो राइट आंसर होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी परिपथ में शक्ति व्यय 10 वाट है और परिपथ का प्रतिरोध जो है 10 ओम है, तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज भी निकालना है और धारा भी निकालना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 35 का वो 10 वोल्ट 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, 10 वोल्ट 1 एम्पियर, डी के साथ इसका चला जाएगा, 10 वोल्ट 1 एम्पियर, इसे आप चाहे तो सूत्र पर निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बता दे रहे हैं आपको।
जो वोल्टेज वाला और धारा वाला फार्मूला है ओम के नियम के द्वारा ये निकाल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर SCR में होते हैं, जो SCR होती है इससे तीन क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर दिए, तो उसमें कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 36 का, वो एनोड, गेट और कैथोड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो बी के साथ चला जाएगा, यानी कि एनोड, एनोड और कैथोड और गेट। तो ये राइट आंसर है इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूज़ कहाँ जोड़ा जाता है, यानी कि फ्यूज़ को हम किस तार के साथ जोड़ते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा 37 का, और फेज और चालक के बीच जो होती है उससे हम जोड़ते हैं फेज तार के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फेज वायर के साथ इसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं फ्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वाइंडिंग वाला कौन सी ट्रांसफार्मर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है सी ऑप्शन में है, यह एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बेहतरीन तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, बैक EMF का मान आर्मेचर के EMF से होता है, कम होता है, अधिक होता है, ये बताना है, या बराबर होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताना। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बैक EMF का मान आर्मेचर से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइए देखते हैं, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होती है 1 ओम होती है, यानी कि 1 ओम, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है एक न्यूमेरिकल है, इसे एक सूत्र के द्वारा इसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है, 200 वाट के 5 लैंप, लैंप होगा यहाँ, लेंस हो गया है, सॉरी दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ लेंस नहीं लैंप होगा, हालांकि इसका हम PDF में सुधार कर देंगे, ये लैंप नहीं, लेंस नहीं होगा, यहाँ पर लैंप होगा, ध्यान में रखना है लैंप, ठीक है, LAMP। तो 5 लैंप द्वारा 50 पैसे KWH की दर से 4 घंटा में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, यानी 200 वाट का, 200 वाट का जो है कि 5 लैंप लगे हैं और 4 घंटा में वह कितना ऊर्जा खपत करेगी, यदि एक यूनिट का जो है दाम 50 पैसा है तो कितना रुपया खर्च होगा। तो आइए इसको हम निकालते हैं एक फार्मूला के द्वारा, E बराबर जो होता है P गुने T बटा 1000, ये फार्मूला होती है। तो ये देखते हैं इसी पर इसे निकाल करके, तो ये हमारा पावर दिया है 200 वाट और इसके 5 लैंप जुड़े हैं, तो 5 से गुना कर दिए और प्रतिदिन 4 घंटा उपयोग में लिए जा रहे हैं, बटा 1000, ये फार्मूला के द्वारा हम इतना लिख दिए, ये बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 5 10, 10 यानी कि 1000 हुआ, 1000 × 4 किए तो 4000 बटा 1000, इसको जब हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 यूनिट खर्च होगी, 4 यूनिट खर्च होगी, तो 1 यूनिट का बोला है 50 पैसा, तो 4 यूनिट का जो होगा राइट आंसर 2 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डीसी मोटर की गति किस पर निर्भर करती है, या डीसी मोटर की गति निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, डीसी मोटर की जो गति होती है उसकी सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है, तो इसलिए 42 का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका जो व्यंजक होता है सूत्र का, वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
फॉर्मूला से इसे हम निकालेंगे तो आर वन आर टू का जो मान है सेम है, छः छः है, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं, एक बट्टा छः प्लस एक बट्टा छः प्लस एक बट्टा छः। तो इस तरह से हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो छः का छः आ जाएगा और इसका हो जाएगा 18। तो ये 18 जो है छतरी 18 तीन बार में कट जाएगा, यानी कि इसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो 3 ओम हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ इसका चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखने योग्य है फार्मूला सभी को। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। बराबर कैपेसिटी वाले चार कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होगी जब वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 44 का आंसर होगा वो बी के साथ चला जाएगा, सी बटा 4, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण, विद्युत धारा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसमें से आवेश नहीं दिया हुआ है, विद्युत धारा दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। और जो सेकेंड इसका किरचॉफ का नियम होती है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये मेरा संपूर्ण वीडियो था। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और जिस तरह मेरा पिछले वीडियो में आप लोग प्यार दे रहे हैं उसी तरह से इस प्यार को बनाए रखिए। ठीक है, और इसका मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सीधे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।